वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड्स। तो हेमलैंड्स के अंदर दोबारा से यहाँ पर गड़बड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने हेमलैंड की सबसे बड़ी बड़ी एंटिटीज के साथ एक बहुत ही बड़ा सौदा किया था, सौदा वो भी हमारे दोस्त एसजीओ का, बिकॉज एसजीओ को इन एंटिटीज ने कैप्चर कर लिया था उससे पिछले एपिसोड में। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एंटिटीज के भाई हूला लालो को कैप्चर कर लिया था, वो भी एक नेट के अंदर। और इन लोगों से कॉन्टेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ा, जो की हम लोगों ने कैप्चर किया था हमारे मेन किंगडम के अंदर। उसको हम लोगों ने भेजा एक नोट के साथ, उस नोट लिखा हुआ था कि इन एंटिटीज को अगर इनका भाई जिंदा चाहिए तो हम लोगों को एसजीओ देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, टाइम लिखा हुआ था। एंड जब गाइस हम लोगों की डील होती है, हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग इनको वहां पर मारने का ट्राई करेंगे, और इनको मारने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी। एंड तुम लोगों को याद होगा नूबड़ा जी के अंदर एक बहुत ही एंशियंट बुक थी, जिसके ना पहले 15 पेजेस के स्पेल्स की पावर्स उसके अंदर आ गई थी। तो वो सारी की सारी हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में एक्सट्रैक्ट करी सबसे पहले, एंड देन हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब बनाया। बट एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी गाइस वहां पर, बिकॉज हूला लाला हमारी गिरफ्त से भाग गया। तो जो प्रोफेसर मेरे साथ गया था थोड़ा पैनिक कर गया, और इसने वो बॉम्ब को गलती से एक्टिवेट कर दिया। एंड जब वो एक्टिवेट हुआ तो तुम लोग देखो मुंह के सामने क्या हुआ उस वक्त, एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। और इस धमाके में हमारा मित्र, हमारा दोस्त एसजीओ मर गया था। एंड उसके बाद गाइस मैंने और प्रोफेसर ने कुछ नहीं किया, बस वहां से भाग गए। और आज हम लोगों को यहाँ से आगे बस सरवाइव करना है। आई हैव नो आइडिया कि अब हम लोग क्या करने वाले आगे और किस तरीके से एसजीओ को वापस लेकर आएंगे, बट जो भी होगा गाइस वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक। इस वीडियो का लाइक है, मैं पूरे के पूरे 300,000 लाइक्स में देख रहा हूं गाइस। आजकल तुम लोग एक्चुअली में गायब भी हो चुके हो लाइक करने वाले, तो गाइस लाइक जरूर करना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसी टाइप की और भी धांसू वीडियो फ्यूचर में बहुत ज्यादा आने वाली है, सो सब्सक्राइब भी जरूर करना एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। आप खुश है तू है प्रोफेसर? अब खुश है क्या तू है प्रोफेसर? ये देखो छोटा सा वॉच टावर बना के अब अरे परे देख रहे कि एंटिटी यहाँ पे उसको मारने ना आ जाए। अब मुझे तू एक बात बता, तूने उसको एक्टिवेट क्यों करा? अगर तू मेरी एक छोटे से इशारे का वेट करता तो भाई आज एसजीओ जिंदा होता। मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो एसजीओ की मौत का ये जो पाप है ये तेरे सर पे चढ़ेगा, मेरे सर पे नहीं चढ़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। समझा कि नहीं समझा तू? और हम लोगों को ना थोड़ा यहाँ से दूर और निकलना पड़ेगा, इधर के लिए आ जा यार। भाई साहब इस बंदे ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यहाँ पे गाइस। तुम लोग खुद सोचो यार, बेचारे एसजीओ को हम लोगों ने ही बोला था एंटिटीज को कि ट्रेड करते हैं, बदले में तू हूला लाला ले जा, हमको एसजीओ हमारा दोस्त वापस पकड़ा दे। और वो लोग भाई इतने ईमानदार थे कि लेकर भी आए थे एसजीओ को, तूने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। ब्रो यार क्या बोलूं मैं तेरे को यार, मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस चीज का। तू मुझे एक बात बता, अब जब एसजीओ तो मर चुका है यहाँ पर हमारा, क्या तू एसजीओ की लोकेशन लोकेट कर सकता है कि उसको एटलीस्ट बचाने तो जाए? हम लोग किस मुसीबत में होगा हमें नो आइडिया यार, ये उसको भी पता नहीं। क्यों नहीं कर सकता पता? पहले तो तू मुझे ये बता, ऐसा क्या है कि तू उसकी लोकेशन पता नहीं कर सकता? पहले तो तू पता कर सकता था। ऑल राइट गाइस, तो मैंने प्रोफेसर से बात कर, यार ये बंदा ने मेरे को अभी डरा दिया, ये मेरे को बोल रहा है गाइस, क्योंकि हमारे हेमलैंड्स के अंदर मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज अब आ चुकी है। तुम लोगों को पता है मल्टीवर्स के टाइमलाइंस के जितने भी हमारे ये पोर्टल्स थे खुल चुके हैं बहुत सारे। तो उस वजह से गाइस क्या हो चुका है कि एसजीओ मरने के बाद अब किस टाइमलाइन में स्पॉन होगा हमें नो आइडिया। तुम लोग समझ रहे हो, मैं भी इस वर्ल्ड के अंदर अब मरता हूं ना, तो हो सकता है मैं अपने हेमलैंड्स के अंदर ना स्पॉन होगा, किसी और टाइमलाइन में स्पॉन हो जाओ, जहां पर कौन विलन है, कौन हीरो है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, हमें नो आइडिया। तो इस वक्त एसजीओ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है प्रोफेसर की एक नादानी की वजह से। पर भाई एक ओवरऑल चीज जो यहाँ पर अच्छी हुई है वो ये हुई है गाइस कि तुम लोगों को बताओगे लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बोला था, जो ये एंटिटीज है ये लाउड नॉइज से डरती है, इनकी पावर्स कम होते हैं लाउड नॉइज से। दैट्स व्हाई हम लोगों ने इतना खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब फाड़ा था वहां पर, लाइक प्लान हमारा यही था। तो अभी इनकी ऑलमोस्ट 95% पावर्स खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब समझे तुम लोग, इसका मतलब गाइस ये है कि इनकी जो 95% पावर कम है, हम लोग अगर इन पे अभी हमला करें, इस वक्त हमला करें, तो एंटिटीज को मारना पॉसिबल है। क्या क्या हुआ? वो बंदा है वहां पे। ओ नो वेज, इसने हमारी बातें सुन लिया। आ रहा लंडन भाई, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें देखो, ये बंदा एंटिटीज के साथ मिला हुआ है। ओ नो वेज डूड, इसको छोड़ना नहीं, किसी वाले को छोड़ना नहीं है। और मेरी एक पॉल मेरे हाथ से गायब हो गई है क्या? व्हाट, मेरे पास चार पॉल्स थी इससे पहले। वेट 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 वेट, मारिश को आजा, कमन, इसको छोड़ना नहीं अभी। प्रोफेसर साहब इसने हमारी बातें सुन ली है, जो मैं भी आपके यहाँ पे बता रहा था कि 95% पावर उन लोगों की कम। मेरे को क्यों मार रहा है तू? 95% पावर उनकी कम है और इस वक्त हमको उन पे हमला करना है। फंस गया बंदा अभी। मारिश को शाबाश, ये गया अभी, अभी ये बच नहीं सकता यहाँ पे। रुक जा, मेरे को बाहर निकल, मेरे को बाहर निकल। ओ माय गॉड ब्रो, ये बंदा कहाँ गया? ओ माय गुडनेस, पकड़ इसकी ऐसी। हाँ अपने ये वाले एरोस मारता रह इसको तू, एक तो मेरा गला खराब नहीं होता ना भाई, तो मैं ऐसा चीखे मार के उसको डरा देता मैं अभी। नॉट इवन जोकिंग मैन, मेरा यहाँ पे भी थोड़ा सा गला खराब है और मैं इसको नॉक बैक वाली शॉट से मार रहा तब से लेकर। भाई किसी भी तरीके से बंदा बचना नहीं चाहिए, मार मार इसको, वो मार अपना एरो मार इसको। अरे कितना तेज भाग रहा है बंदा, व्हाट ये तेज भाग रहा है।
ब्रो ये नॉर्मल से तेज भाग रहा है ये बंदा। I'm not even joking। इसको छोड़ना नहीं है भाई अभी। अभी तू भाग। अभी तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं भाई। अभी तू बचेगा नहीं। एंटिटीज के साथ मिलकर हमारे हेमलैंड्स को तबाह करोगे तुम लोग हैं। और ये बंदा भाई ये बहुत तेज है। और है ये नॉर्मल बंदा, देखो कितना तेज भाग रहा है। What? ये बंदा हाथ में नहीं आने वाला हमारे ऐसे करके। भाई ये कब से लेकर भगा रहा है हमको यहाँ पे? कहाँ पे लेकर आ गए बंदा? अरे भाई हम लोग और भी काम कर रहे हैं यार, इसको छोड़ना नहीं है प्रोफेसर साहब। ये ना हमारे यहाँ पे सारे पोल खोल देगा अगर गाइस एंटिटीज को अभी लग गया पता कि हम लोग उन पर अभी जब वो लोग इतने कमजोर है हमला करने की ट्राई करें। वो लोग अपनी लोकेशन चेंज कर देंगे भाई टेम्परेरीली। वो बंदे इस वक्त यहाँ पर कमजोर है, जब तक वो कमजोर है हम लोग उनको यहाँ पे इजिली मार सकते। किधर को गया बंदा? ढूंढ इसको। कहाँ गया वो प्रोफेसर? कहाँ है? आस पास ही है वो कहीं पे। आई एम नॉट इवन जोकिंग, इधर ही था वो बंदा कहीं पे। अरे भाई साहब ये किसने मारा? तूने मारा ना भाई? मेरे को लगा उसने मारा। ब्रो ये कैसे अजीब से जंगल में लेकर आ गया बंदा हमको। ओ माय गॉड, ऊपर चढ़े एक बार। ये बंदा यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। ये बंदा बच के नहीं जाना चाहिए गाइस। इस बंदे को लग गया पता हमारे प्लान का, अगर एंटिटी सतर्क हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। दिस इज आवर ओनली चांस कि हम लोग एटलीस्ट एसजीओ की मौत का बदला तो ले। यहाँ पे ऊपर से देखता रहे, यहाँ पे आ जा, कहीं ना कहीं आस पास ये बंदा जरूर दिखेगा। मुझे दिखा। मुंह के सामने देख। ऐसी की तैसी इसको हम लोगों ने बस हमला करा, ठीक है? आजा जल्दी से आजा, पकड़े छुपेगा यहाँ पे तू। तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा। देख हम तेरे को मार देंगे। प्यार से बोल रहे देख ले, हमारा बहुत खतरनाक एरोज है हमारे पास बेटे। प्रोफेसर इसको 10-12 शॉट मारे, ऐसे नहीं मानने वाला है। मार इसको 10-12 पटाखे मार, इसकी पकौड़े की ऐसी की तैसी। रुक जा, अभी बोल रहा हूँ हथियार छोड़ दे, मर जाएगा तू। तेरे अंदर जान नहीं है बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ तेरे को। रुक जा, यहीं पे खड़ा रहा यहीं पे। आई नो कि तेरे पास कम हर्ट्स है, इस वक्त कम हर्ट्स है। दो फटके और मार, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए मेरे को। खड़ा रहे, हिल मत, खड़ा रहे, एक जगह पे खड़ा रहे। हिला तो मरा, ऊपर आ जा, देख भागने की ट्राई कर रहे हैं बंदा। मार देंगे तेरे को हम लोग, ऊपर आ, चुपचाप से ऊपर आ। ले इसके ऊपर कदम रख, इसके आसपास ये ब्लॉक्स लगा बहुत सारे। ये बंदा ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तेरी ऐसी की तैसी एंटिटीज के साथ मिलके काम करेगा, एंटिटी का चेला है ना तू, सच बोलियो है? अब मना क्या कर रहा है? कितने हार्ट है, हाफ हार्ट है क्या? रुक जा प्रोफेसर, रुक जा, मरना नहीं चाहिए भाई ये बंदा। नहीं प्रोफेसर, मेरे को डर लग रहा है। प्रोफेसर 2 सेकंड रुक जा भाई, तू ऐसे डरा मत यार, तू कसम से सुन मेरी बात, सच सच बोल, एंटिटी से मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? सच सच मना कर रहा है भाई, तेरी आंखों से तो लग रहा है क्लियरली। अपना ये आर्मर उतार, पूरा का पूरा आर्मर उतार, नहीं मारेंगे तेरे को हम लोग। देख ऐसे भी तू अभी यहाँ पे एक आधा हर्ट पे ही होगा। ओ भाई साहब, बंदा तो क्राउन किंग तो नहीं, तो कहीं का है? मुझे बता, तू मुझे एक बात बता, तू हमारे ऊपर स्पाई क्यों कर रहा था? अगर तू इन एंटिटीज के लिए काम नहीं कर रहा है, और जब मैंने वो बात बोली कि हम लोग एंटिटीज पे इस वक्त हमला करेंगे जब ये लोग कमजोर है, तू उसी वक्त क्यों भागा? मुझे पूरा का पूरा जवाब चाहिए इस बात का, ठीक है? चल बता मेरे को क्या बात है। ऑल राइट गाइस, तो इस बंदे से बात यहाँ पर मैंने कर दी है। एंड भाई मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं इस बंदे के ऊपर यहाँ पे विश्वास करूँ कि नहीं करूँ। ये बंदे ने मतलब भाई साहब मेरे को डरा दिया यार। अब मेरे को लग रहा है कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, नो आइडिया। मेरी बात सुन भाई, अगर तू झूठ बोल रहा है ना तो तेरे को अभी समय जला देंगे हम लोग। देखिए इसके हाथ पे लावा पड़ा हुआ, समझा कि नहीं समझा? इसने मुझे बोला कि ये एक्चुअली में वहाँ का लोकल बंदा है, एंड जहाँ पर लाइक वो ब्लास्ट हुआ, इसने वहाँ पर एक ब्लास्ट की आवाज सुनी, बहुत जोर के ब्लास्ट की आवाज, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए आया था उस ब्लास्ट को। और इसने देखा कि मैं और ये प्रोफेसर वहाँ से भाग रहे थे, तो उसको लगा शायद से हम लोगों ने कुछ कांड कर दिया इलाके पे, एंड हम लोग बस वहाँ से भाग रहे, दैट्स व्हाई हमारा पीछा करते करते आया। एंड बाकी ये हम पे स्पाई वगैरह नहीं कर रहा था, इट वॉज जस्ट कि ये वहाँ पे खड़े खड़े हम लोगों को देख रहा था कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, कि हम लोगों ने कहीं कोई स्कैम तो नहीं कर दिया इसके विलेज के आसपास। तो देख भाई हम लोगों ने स्कैम वगैरह नहीं किया है। अब इसकी ने तो आंखें देख के मेरे को पता नहीं, यकीन नहीं हो रहा कि असली बंदा ये स्कैमर हो सकता है भाई, एंटिटी के साथ मिला हो सकता है बंदा। एंड गाइस इसने बाद में हमको बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे लेट हो रही है अभी, ये कहीं पे तो किसी एक पार्कोर कंपटीशन में जा रहा है, तो बोल रहा है कि भाई प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे पार्कोर कंपटीशन जीतने के लिए जाना है। एंड तू पहले एक बात बता, उस पूरे पार्कोर कंपटीशन की मुझे डिटेल दे, मैं एक बार पता करूंगा। अगर तूने झूठ बोला होगा ना भाई तो मैं मजाक नहीं कर रहा, तेरे को बेल देंगे फिर हम लोग। बता जरा कहां है पार्कोर कंपटीशन और क्या है। ऑल
राइट गाइस, तो बात कर दिए इससे यार गाइस, मतलब यकीन तो हो रहा है मुझे, बोल रहे कि एक इलीगल माइनक्राफ्ट की पार्कोर कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर हमारे हिमलैंड्स के अंदर। उसका जो फर्स्ट प्राइज है मैंने से पूछा तो उसने बोला कि कोई एक यूरेनियम, मैंने नीचे लिखा हुआ यूरेनियम है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। एंड आई डोंट नो किसको रेडियो एक्टिव मटेरियल क्यों चाहिए। मुझे तो लग रहा है प्रोफेसर साहब कि कहीं ये बंदा यहाँ पे बॉम्ब बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कहीं। क्या छोड़ो, देख भाई इसने कैसे बहुत जेन्युइनली बोला, तो मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ कि तू सच बोल रहा है, ठीक है ना भाई। तू यहाँ से निकल, प्रोफेसर आजा भाई, हमको बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। इस बेवकूफ से बंदे ने हम लोगों को बहुत दूर भगा के लाया, पता है वो नोई बायोम से कम से कम 1200 ब्लॉक्स दूर है ये जगह, 1200 ब्लॉक्स दूर, इतना दूर भाग के आए हम लोग इसके पीछे पीछे। और क्यों आए, एंड पता चलता है कि तो पार्कोर कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा था फालतू में। और हमारा जो इतना मेन कंसर्न था एसडीओ की मौत वाला, वो भी हम लोग यहाँ पर भूल ही गए। प्रोफेसर साहब कुछ आइडिया निकाल लो, जब तक हम लोग यहाँ से वापस, अभी हम लोग इस हिमलैंड्स तक पहुँचते हैं ना, तब तक मैं और प्रोफेसर कुछ तो डिस्कस करते हैं एंड किसी कंक्लूजन तक आते हैं कि हम लोग एसडीओ को किस तरीके से बचाए। वो जहाँ भी है मरने के बाद वो किसी ना किसी मल्टीवर्स में पहुंच चुका है। भाई तू मुझे एक बात बता कि मान ले किसी भी वो मल्टीवर्स के यूनिवर्स में, तो क्या पोर्टल वगैरह खोल सकता है वहां के लिए जाने के लिए डायरेक्ट, या कोई ना कोई तरीका तो होगा जो तू यहाँ पे स्टडी कर सकता है, कुछ कर सकता है, पता लगा सकता है ना। नाइस, बस ठीक है, फटाफट एक बार तू हिमलैंड चल और अभी लग जाएगा पता हम लोगों को भाई, देखी जाएगी, चल आ जा तू एक बार। ऑल राइट गाइस, तो मैंने और प्रोफेसर साहब ने गाइस एक प्लान बनाया यहाँ पे। देखो हमें नहीं पता कि इस वक्त एसजीओ कहाँ पर स्पॉन हुआ है, किस मल्टीवर्स पर स्पॉन हुआ है, ड्रीम बॉय किसी और टाइमलाइन में है, उसकी लोकेशन क्या है पता करना इम्पॉसिबल है इस वक्त हमारे प्रोफेसर के लिए, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होगा भाई किसी और टाइमलाइन के बंदों के लोकेशंस का पता करना। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक बहुत ही ओपी आइडिया निकाला है, वो ये है कि क्यों ना हम लोग जानने की कोशिश करें होगा लाला की बैक स्टोरी। इसने मेरे को बोला है कि अगर हम लोग यहाँ पर पता लगा पाएंगे होगा लाला की बैक स्टोरी को ना, तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ कि हमारे 10 में से 8 सवालों के जवाब ऐसे चुटकी बजा कर मिल जाएंगे हम लोगों को। एंड जो मेन सवाल है वो ये है गाइस हमारा कि ये जो होगा लाला है ना, ये होगा लाला क्या हमेशा से एंटिटी था, या फिर ये बंदा पहले एक नॉर्मल आदमी था एंड बाद में किसी जादू टोने की वजह से एंटिटी बना। अगर गाइस हम लोग इनके पास्ट के बारे में पता लगा पाए किसी भी तरीके से, लाइक कि ये होगा लाला बना कैसे, ये इतना खतरनाक कैसे बना, ये सबको मारता क्यों रहता है, अगर इस चीज का पता हम लोगों को लग गया ना, तो हम लोगों की पूरी मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी और ये गाइस हमारे लिए भी सबसे बेस्ट बात हो जाएगी। एंड प्रोफेसर साहब मेरे को आपका आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया भाई, अब भी और इस बार एग्जीक्यूट करें कैसे इसको लेके। ओ नो, वेस्ट नो, वेस्ट नो, वेस्ट नो, भाग ऐसे अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। ब्रो कहां है तू? अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ मेरे साथ अभी, ये मेरे साथ भी हुआ क्या भाई, मेरे को किसी ने ऊपर टेलीपोर्ट करवाया। निकल 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 निकल, इधर या खुले में खड़ा नहीं होना अभी, खुले में खड़ा नहीं होना अभी, अंदर को आ जा मेरे जानवर वगैरह के साथ। इनफैक्ट तू यहाँ पे इधर बेसमेंट के अंदर आ जा भाई, इधर तू बेसमेंट के अंदर आ जा, यहाँ पर कोई सामान नहीं है। ओ माई गॉड भाई साहब, ये अभी हुआ क्या मेरे साथ, उफ मैं डर गया अभी यहाँ पे कसम से। भाई गाइस, जो भी बंदा था जिसने मुझे हवा में उड़ाया बड़ी देर से लेके वापस आया नहीं है, तो आई गेस अभी हम लोग शायद से सेफ है। प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनो, बात मेरे को ना आपका प्लान बहुत ज्यादा पसंद आया, अगर हम लोग किसी भी तरीके से होगा लाला का पास्ट का पता करें कि वो होगा लाला कैसे बना, ऐसा क्या हुआ उस बंदे के साथ कि वो, देखो अगर तो गाइस वो हमेशा से एंटिटी का बच्चा था तब तो वो ऐसा ही रहेगा हमेशा, एंटिटीज लाइक इविल होती है जैसे कि हीरो ब्राइन, ठीक है ना, बट अगर वो पहले से लेकर कोई नॉर्मल आदमी था एंड देन बाद में वो इविल बना, तो हो सकता है हम लोग वहां से कोई कमजोर कड़ी उठाएं एंड देन उसके पास्ट के थ्रू हम लोग उसकी बैंड बजाएं। बिकॉज गाइस द थिंग इज, तुम लोगों को पता है हमारे अभी यहाँ पर इस हिमलैंड्स के मल्टीवर्स का जो ये रास्ता खुल चुका है ना, तो यहाँ पर अब सिर्फ हमारे लिए हमारे वर्ल्ड का होगा लाला प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बंदे हमारे लिए प्रॉब्लम है। और जो हमारा ये होगा लाला, इट सीम्स कि ये बंदा बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ये इन जितने भी बाकी होगा लालास आए ना अलग अलग मल्टीवर्स के, लाइक 5-6 हमारे वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे हमारे ही वर्ल्ड के किलविश और होगा लाला की बातें मान रहे थे। तो तुम लोग समझो कि ये लोग एक्चुअली में शायद से सारे मल्टीवर्स के होगा लालास को डोमिनेट करते हैं। तो अगर गाइस हम लोग इनको डोमिनेट कर ले या फिर इनको अपनी टीम में लेकर आ जाए तो बेस्ट हो जाएगा। अगर इनको हम लोगों ने मार भी दिया, हम लोगों ने चीज डिस्कस करी है भी, अगर होगा लाला को मार भी देते हैं तब भी हमारे सामने लाखों हजारों होगा लालास आ सकते हैं कभी भी हमको मारने के लिए, कभी भी। तो ये सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल को इनको मारने का। तो प्रोफेसर साहब अभी आप एक काम करो, वैसे मैंने इससे कहीं पहले बात करी, तुम लोगों को याद होगा यहाँ पर हम लोगों ने ड्रीम कैचर बनाया था, अभी वहां से गायब हो चुका है ऑफकोर्स, बिकॉज हम लोगों ने वो यूज करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया था कि जो विजर्ड है वो फेक विजर्ड था और हमारा असली विजर्ड कहाँ पर था, तुम लोगों को याद होगा जब मैंने वो पता करा था, वो ड्रीम कैचर के थ्रू करा था, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू वही सेम ड्रीम कैचर बना जिससे हम लोग सोते टाइम पे सपने के थ्रू पास्ट में पहुंच जाए अपने सपने के अंदर। तो उसने बोला कि अभी वो ड्रीम कैचर बनना इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो एक चीज हमको चाहिए थी उसको बनाने के लिए वो एक बहुत ही रेयर चीज थी एंड
उसको फिर से लेकर आना इज इम्पॉसिबल बिकॉज वन ऑफ अ काइंड थी। तो भाई एक काम कर, अभी तो अपने कंप्यूटर पर जाके एक बार सर्च कर जरा कि हम लोग ड्रीम कैचर के अलावा और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग इसके पास्ट का पता लगा सके। गाइस मुझे पता है ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला टास्क है, इजी नहीं होने वाला है। ओवरऑल के पास्ट को देखना, पास्ट में जाना, बिकॉज टाइम मशीन टूट चुके गाइस, और टाइम मशीन को फिर से बनाना भी इम्पॉसिबल है, इसने मुझे बोल दिया है वो नहीं बन सकती है टाइम मशीन। अगर बनेगी भी तब भी लाइक कम से कम कितना बोला उसने, 2 से 3 साल लग जाएंगे उसको फिर से बनाने के लिए। तो 2 से 3 साल तो किसके पास है भाई, हेलो, यहाँ 2 से 4 घंटे नहीं हमारे पास। तो मैंने उसको बोला भाई अभी और से पता कर क्या कर सकते हैं, लेट्स सी कि ये सुपर कंप्यूटर में इसको क्या पता चलता है। ऑल राइट गाइस, ब्रो सही में क्या हम लोग ये कर सकते हैं यूज? ओह माय गॉड भाई हमारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है गाइस। मैंने इससे बात करी, इसने मेरे को बोला कि ये यहाँ पर अभी एक टाइम क्यूब बना सकता है, टाइम क्यूब एक और इन्वेंशन ये बंदा भी कर सकता है, एंड उस टाइम क्यूब को बनाने में इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 मिनट लगने वाले। 30 से 40 मिनट क्या होते, कुछ भी नहीं होते भाई, है कि नहीं है? बट उसके लिए गाइस को एक स्पेशल टाइप की चीज की जरूरत पड़ने वाली है। एक्चुअली में इसने मुझे बोला कि कुछ टाइम के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोला जाता है पिम पार्टिकल्स। तो गाइस जो पिम पार्टिकल उनको मैनिपुलेट करके ये बंदा एक टाइम क्यूब बना सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिकली काम करता है। हम लोगों को सपने के थ्रू नहीं, हम लोगों को फिजिकली पास्ट में लेके जाएगा, और वो भी बहुत ही मैजिकल तरीके से। मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, बट इसने मुझे बोला कि उसके लिए इसको किसी एक ऐसे पार्टिकल की, आई मीन लाइक किसी एक ऐसी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर वो पिम पार्टिकल, लाइक वो टाइम वाले पार्टिकल मौजूद हो। एंड गाइस इसने मुझे अभी क्या बोला, अभी तुम लोगों को याद होगा इससे पहले मुझे बंदा मिला था जो कि वो उस पार्कौर कंपटीशन के अंदर जाने वाला है, इलीगल पार्कौर कंपटीशन के अंदर। उस पार्कौर कंपटीशन का जो फर्स्ट प्राइस है गाइस वो है एक यूरेनियम जो कि लाइक वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इसने मुझे बोला कि वो जो यूरेनियम वाला मटेरियल है ना उसके अंदर भी पिम पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो अगर मैं उस पार्कौर कंपटीशन को जीत के यहाँ पर लेकर आ जाऊं उस यूरेनियम को, तो ये टाइम क्यूब को बना सकता है। एंड गाइस ये तो बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बात सुन, तू एक काम कर फटाफट जरा उस वो जो इलीगल पार्कौर कंपटीशन है उसका तू पता कर, उसके लोकेशन का पता कर एक बारी, मुझे अभी और इसी वक्त बता जरा। बाय द वे यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने कंप्यूटर में चेंजेस वगैरह कर रहा है ताकि ये और भी ज्यादा बड़े लेवल पे रिसर्चेस वगैरह कर सके। तो इसने मेरे को बोला थोड़ा टाइम लगेगा, अभी रीसेट कर रहा है बेसिकली कंप्यूटर को, बट ये मुझे अभी यहाँ पर गाइस उस पार्कौर कंपटीशन की पोजीशन बताएगा, लाइक कहाँ पर लोकेशन क्या है उसकी, और मैं वहां पर जाकर उसको जीतने की ट्राई करूंगा। बट गाइस अगेन मैं तुम लोग बोल रहा हूँ वो इलीगल है। इलीगल का मतलब तुम लोग समझ जाओ कि वहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, वहां पर इजिली मर सकते हैं हम लोग। एंड अगर हम लोग इस वक्त अपने इस वर्ल्ड के अंदर मरते हैं तो हम लोग डार्क हिमलैंड के अंदर स्पॉन नहीं होते, हम लोग मल्टीवर्स के किसी भी मल्टीवर्स में स्पॉन हो सकते हैं। तुम लोगों को पता है किसी भी मल्टीवर्स के अंदर सपोज मैं पहुंच गया एक बारी बिना किसी इन्वेंट्री के, तो तुम लोग खुद याद करो जब मैं लास्ट टाइम पे उस थर्ड डायमेंशन के अंदर फंस गया था, वहां से बाहर निकलने में कितनी मुश्किल हुई थी। तो सोचो मैं अभी फिर से वहां पर फंस जाऊंगा तो क्या होगा। ओके भाई प्रोफेसर साहब कम ऑन फास्ट काम करो भाई, फास्ट काम करो, कम ऑन। ओ माय गॉड अभी और सुबह मुझे पार्कौर कॉम्पिटिशन में जाना पड़ेगा फिर से। मैं सच्ची बताऊं मैं प्रिपेयर नहीं हूं यार, मैंने बहुत टाइम से पार्कौर वगैरह करे नहीं। आई मीन लाइक इससे पहले जो मैंने स्टंट मारा वो जो क्लच था वो भी एक टाइप का पार्कौर ही था, बट आई डोंट नो मैन, मैं अभी यहां पे तैयार हूं कि नहीं हूं। चलो एक बार गाइस देखते हैं, अपने हिमलैंड को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। ऑल राइट गाइस, तो इसने मुझे पोजीशन तो बता दिया कि एग्जैक्टली वो इलीगल पार्कौर कंपटीशन कहां पर हो रहा है, बट इसने मुझे बताया कि वो इलीगल है इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है गाइस? द रीजन इज कि उस पार्कौर कंपटीशन के अंदर अगर गलती से भी तुम लोग ये मान के चलो उसका जो फर्स्ट प्राइज है वो यूरेनियम है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, वन ऑफ अ काइंड है। एक बार अगर मैं उसको लेकर आ गया तो इसके बाद दोबारा से वो कभी नहीं मिल सकती हमारे इंग्लैंड के अंदर, इतनी रेयर चीज है वो। तो इसने मेरे को बोला है कि वो जो पार्कौर कंपटीशन वाले बंदे हैं वो एक्चुअली में इस पार्कौर कंपटीशन को बेसिकली वो लोग फंसना नहीं चाहते हैं, कि नहीं हमारे हिमलैंड्स के अंदर। तो उन्होंने क्या रखा हुआ है कि जितने भी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे कोई एक जीतेगा एंड बाकी जितने भी बंदे होंगे ना वो सारे मर जाएंगे। जैसे हमारा जो वो नॉर्मल पार्कौर चैंपियनशिप थी ना हमारे वर्ल्ड की जो कि लीगल थी जहां पर मैं जीता था, वहां पर क्या शर्त थी कि जितने बंदे पार्कौर करते करते मर गए वर्ल्ड में गिर गए वो अलग बात है, जितने बंदे क्वालिफाई करते रहेंगे कोई एक जीतेगा, बाकी जितने क्वालिफाई कर जाएंगे वो सारे जिंदा रहेंगे, बच जाएंगे, अपने घर जा सकते हैं। कोई अपनी गलती से मर गया तो मर गया, बट यहाँ पर क्या है कि जितने भी बंदे क्वालिफाई करेंगे, जो मर गया खुद से वो तो मर ही गया कंपटीशन के दौरान, लेकिन जितने भी बंदे क्वालिफाई भी करेंगे कोई एक ही जीतेगा, बाकी सबको मार दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। तो इसने मेरे को बोला कि वहां पर जाना बहुत बड़ा रिस्क है, उस कॉम्पिटिशन को किसी भी हालत में जीतता है। भाई मैं बोलने वाला अभी, तू रुक जाए एक सेकंड, ये मेरे को पता क्या बोल रहा है बंदा, ये मेरे को बोल रहा है कि इसको भी पार्कौर कॉम्पिटिशन में आना है, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो लाइक यूरेनियम है वो हमारे पे पक्का आ जा रहे। भाई तूने अभी तू सुन रहा है, तू क्या बोल रहा है, लाइक तूने अभी खुद मुझे बोला और खुद ही की बात को अनदेखा कर रहा है। ब्रो कोई एक जीतेगा, अगर मेरे और तेरे में से मेक श्योर कर भी देखी हमारे पास वो यूरेनियम आ ही जाए, तो मान लेगा तू जीत गया तो मैं तो मर जाऊंगा ना, मैं जीत गया तो तू मर जाएगा, तो फायदा मना कर रहा है भाई ये बात। बंदा मान, वेट अ सेकंड, तेरे पास क्या कोई प्लान है क्या इसके रिगार्डिंग?
ओ भाई, तो पहले से लेकर नहीं बोल सकता था। चल मुझे अपना प्लान सुना जरा, क्या प्लान है। ऑल राइट गाइस, तो भाई साहब हम इसने गाइस एक बहुत ही ओपी प्लान बनाया हुआ है। अभी देखो मैं तुम लोगों के पास यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस प्लान को बताते हुए फालतू का, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा बिकॉज ये बहुत ही ओपी प्लान है। एस्केप रूट बहुत तगड़ा है। ये चीज मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा कि एक्जैक्टली किस तरीके से हम लोग एस्केप वगैरह करने वाले, बट अभी हम लोगों को यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तुम लोगों को गाइस डायरेक्ट मिलता हूँ जहाँ पर पार्कोर कॉम्पिटिशन होने वाला है, एंड वी विल मेक श्योर कि अगर हम दोनों में से कोई एक बंदा जीतता भी है ना, तो दूसरा बंदा वहां से एस्केप 100% आराम से कर जाएगा। और प्लान सिर्फ मेरे और इसके बीच में पता है, बाकी किसी को कानो कान खबर नहीं होने वाली है अगर मैं और ये दोनों जाएंगे। हालांकि गाइस ये शायद से उतना अच्छा पार्कोर करता होगा कि नहीं करता होगा, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं टीम बनाकर, बिकॉज इलीगल पार्कोर कॉम्पिटिशन है गाइस। वहां पर बंदे ना टीम बनाकर जरूर आएंगे और हम लोगों को मारने की ट्राई जरूर करेंगे फ्री फंड में। वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग दो बंदे हैं वहां पर, एंड ऑफ कोर्स हमारा प्रोफेसर प्रेसा बहुत सारे टूल्स वगैरह लेकर भी आएगा, तो हम भी किसी से कम नहीं है भाई, हम भी पेल देंगे बंदों को वहां पे। चलो तुम लोग अभी गाइस। अरे बाप रे बाप भाई, वो सीक्रेट लोकेशन गाइस हम लोगों को यहाँ पे आई गेस अंडर ये मिलने वाली है। यहाँ पे समुंदर, ओ तेरी भाई, ये होते असली बंदे हैं, इल्लीगल माइनक्राफ्ट पार्कोर करवा रहे हैं, एंड वो भी पानी के अंदर। इधर ही किधर से इनके एंट्रेंस स्टार्ट होते हैं, इधर ही किधर से, यहीं पे कहीं पर है वो। देख जरा प्रोफेसर आसपास देखता रहे, अच्छे से देख, यहाँ पे कहीं पे एंट्रेंस होगी। यहाँ दिखी मेरे को दिखी तरह आजा। ओ भाई साहब, किधर ही खोपचे में बनाया हुआ इन्होंने। चल भाई फटाफट। और भाई साहब ये क्या जगह है, पहुंच गए हम लोग। ओ माई गॉड, ओ My God, यहाँ पे हो रहा है कॉम्पिटिशन। अरे भाई इतना नीचे तो हम लोग आए भी नहीं थे समुद्र के। अरे अभी आए हो ना, अभी मौज करो यहाँ पे। वहाँ पे हमें मरने के लिए छोड़ दिया। लाइन में खड़े रहो, आपका वापस आया। आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कब वापस आया या नहीं आया, ये बताओ क्या फर्क पड़ता है। अरे ड्रीम बॉय, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों मिल के हम लोगों को मरवाना चाहते हैं और हत्याना चाहते हैं पूरा हिमलैंड्स। भाई अरे क्या अगर बोल रहे तुम दोनों, आपको आपको किंग बनना है या कुछ। ओ माय गॉड, नॉर्मली बात करते ना हमसे, ये मारने की ये जरूरत नहीं थी क्या। आपने जानबूझ के होगा लाला को मारते मारते मुझे भी मारने का प्लान कर दिया पूरा। अरे बहुत ही बड़ी गलत फहमी, आप तो गलती से मर गए थे। और ड्रीम बॉय क्या बकवक कर रहे हो यार आप दोनों। ये भाई एक सेकंड, मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान पे खेल के उस टाइमलाइन में आया, मेरे को रास्ता भी नहीं पता था और आप मुझे छोड़ के भाग गए। अरे छोड़ो, अरे भाई बोल के कुछ फायदा अरे नहीं। अरे भाई मेरे, आप लोगों को गलत फहमी हुई है ड्रीम बॉय। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि भाई साहब हमको वहाँ से भागना पड़ा। अरे जो आप कैसे बचे, आप तो मर गए थे। अरे इसकी तो सिचुएशन बन गई थी ना, मेरी तो आपने बना दी, आपने तो मेरी कब्र छील दी थी। एक बात बताओ मेरे को, देखो यहाँ पे मना कर रखा है, समझो यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे पार्कोर कॉम्पिटिशन में क्या कर रहे हो। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे जीतने के लिए आए, तुम लोग का लगा कि तुम्हें ही पता है कि कहाँ के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं और बाकी सारी चीजें। हम भी जीतने के लिए आए यहाँ पे और हरा के जाएंगे, हमें पता नहीं था आप हो यहाँ पे, पर अब हार के जाओगे आप भी। अरे भाई हमें पता था स्मार्टी भाई आने वाले, वो ही रे, तुमको समझाना भाई। मतलब सच बोलू, दोस्ती से भरोसा उठ चुका है मेरा स्मार्टी भाई। अरे किस बात के लिए, और स्मार्टी तो पहले से सर। प्रोफेसर साले तू सर नुबड़ा जी, मैं मर गया तो रो रहा था वहाँ पे, आपने उसको रुलाया। देखो अपने भाई को, भाई ये कुछ शक्ल तो खुशी दिख रही है यार साफ साफ, मैं नहीं जा रहा भाई। गाइस तुम लोगों को पता भी यहाँ पर क्या होने वाला। वेट, नीचे अनाउंसमेंट लिख के आई है, कीप क्वाइट कीप अवे फ्रॉम ईच अदर। ये क्या अनाउंसमेंट है भाई, ये तो पहले बार भी हुई थी। यहाँ पे लाइन में खड़े रहो, आपको कुछ पता नहीं है रूल्स बिल्स, और आ जाते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों ने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। बहुत बड़ी, ठीक है भाई हमने की है गलती, हमें मार दो फिर भी गलती हमारी है भाई, ड्रीम बॉय हमारी है भाई। वही कह रहा हूं, मतलब गलत हमारे साथ हुआ है और हम ही बोल रहे हैं। वही तो अलग घोर कर युग भाई ड्रीम बॉय। और अगर मैंने वीसी कनेक्शन ऑफ किया हुआ है, इन दोनों को मेरी आवाज आ नहीं रही है ड्रीम बॉय एसजीओ को। भाई ये क्या चल रहा है, ये एसजीओ को लग रहा है कि मैंने और तूने इसको जानबूझ के मारा वहां पे, और ड्रीम बॉय को लग रहा है कि शायद से मैंने इसको जानबूझ के उस थर्ड डायमेंशन के अंदर लॉक कर दिया था। ये क्या लो भाई साहब, यार गाइस जब मुसीबत आती है तो हर डायरेक्शन से मुसीबत आती है जिंदगी में, याद रखना तुम लोगों ने मेरी ये बात को। और यहाँ पर भी आ चुके हैं, हिमलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, सारे बंदे छूट चुके हैं, फिर से हमारे जो दोस्त हमारे साथ थे हमेशा से, अब देखो हमारे खिलाफ हो चुके दोबारा से यहाँ पे। क्या बोलू भाई, हमें समझ नहीं आ रहा मेरे को। रुक जा प्रोफेसर यार, मैं ना इनसे एक बारी बात करके आता हूँ। हेलो, ओ भाई यो, आवाज आ रही है मेरी। नहीं नहीं क्यों आएगी, वीसी से निकल दो फिर से और प्लान करो हमें मारने का। अरे यार तुम लोग मेरे पे इल्जाम मत लगाओ, पहले तो तुम्हें मारने का। नीचे अनाउंसमेंट आइए लिखे क्या, पार्कोर रेस अबाउट टू स्टार्ट नाउ, यू विल बी taken to the parkour courses according to the AI। भाई क्या है ये AI के अकॉर्डिंग,
हम लोगों को पार्कोर कोर्स से ब्रो ये मैं कहाँ पे हूँ? ओ भाई, अरे ये तो वही वाला बंदा। हेलो, बचाना भाई साहब मुझे आपने क्या। हेलो हेलो भाई, देख सॉरी यार, तेरे पार्कोर कॉम्पिटिशन मुझे भी आना पड़ा। अब ये तो मैं लेके जाऊंगा यहाँ से ट्रॉफी। जो वहाँ पे यूरेनियम मिल रहा है वो तेरा भाई लेके जाएगा यहाँ। और ये क्या है, ये क्या है, ये जात जीता जागता पिग यहाँ पे आया हुआ है। भाई गाइस, हमारा हेमलैंड बहुत ही ज्यादा मायावी है। यहाँ पर हम लोगों को क्या पार्कोर करना है, लेट मी चेक। यहाँ पे कुछ लिखा, फाइंड बिग पोर्टल, हूएवर फाइंड्स इट फर्स्ट टेक 20 रॉकेट्स एट वंस, बेस्ट ऑफ लक, प्लेयर वन प्लेयर टू प्लेयर थ्री। ओ माई गॉड, हम लोगों के पास सिर्फ 10 यहाँ पर मौके मिलने वाले। उड़ो भाई, फटाफट करना पड़ेगा स्टार्ट। चलो मेरे बेटे। भाई मेरा एक मौका गया, मेरा एक मौका गया, मेरा एक मौका ऑलरेडी गया। ओ नो, ओ नो 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 नो, ये क्या हो रहा है ब्रो, व्हाट द हेक मैन। भाई ये दोनों के दोनों बंदे ना उड़ भी चुके ऊपर, देखो क्या हो रहा है ये। आई हैव नो आइडिया। अरे बाप रे बाप गाइस, अगर हम लोग कहीं भी और जगह पे टच करे तो क्या बोलते हैं हम लोग तो हम लोग दोबारा से पीछे स्पॉन होते हैं। बस मुझे यहाँ पे वो जगह ढूंढना है, बड़ा वाला पोर्टल ढूंढना है। और ये लोगों को अगर मुझसे पहले, गाइस मैं पहले उससे बाहर हो जाऊंगा एंड देन आई एम गोना डाई। आई मीन मैं तुम लोगों का सच बताऊं तो हम लोग मरेंगे तो नहीं यहाँ पे। मुझे उसकी आवाज नदी पीछे आई, गैस उसके यहाँ पे झटका तो लगा एक बंदे को। यहाँ पे मैं कहाँ जा सकता हूँ? ओ माय गुडनेस, कमन 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 कमन, बिग पोर्टल ढूंढना है भाई। भाई कहाँ पे है ये? अरे गाइस मैं सेम ही जगह पे लूप कर रहा हूँ बार बार। ये क्या है ये जगह? वो लोग नहीं, अरे वो किसा, अरे नहीं ये तो हमारी स्टार्टिंग वाली जगह है। ये मुझे मार जा रहे। What? Wait, wow! Oh my goodness, dude! Okay, bro, ये तो हैरी पॉटर लेवल सीन हो गया भाई यहाँ पे। हेलो ब्रो, ये दोनों के दोनों मुझे मारने के लिए आ रहे क्या? Oh shit, dude! Oh no, ये कैसा पार्कोर है भाई? ये एक्चुअली इलीगल है भाई साहब। यहाँ पे पता होना चाहिए कि दो बंदे एक बंदे को भी मार सकते हैं मिलके। Oh no, guys, मुझे ना यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं चक्का दे। What the heck was that? मेरे रॉकेट वेस्ट हो गए। ओह नो वे डूड, मेरे ना रॉकेट्स यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं। आई एम नॉट इवन जोकिंग। फटाफट चल, फटाफट चल स्मार्टी, फटाफट चल स्मार्टी, कमॉन 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 कमॉन। अरे मुझे एक रॉकेट मिला एक्स्ट्रा। ये दोनों आसपास ही घूम रहे हैं। ओके, मैं इनको मरवाने वाला, अभी मैं इनको मरवाने वाला। गाइस देखो, अभी देखो मेरा प्लान देखो क्या है। मैं जितना नजदीक नीचे वाले इसके जाऊंगा ना, उतना नजदीक ये मेरे पीछे पीछे आएंगे। यस एग्जैक्टली, जितना नजदीक मैं इनको इसके लेके आ सकता हूँ हरे के, उतना नजदीक मैं लेके जाने वाला हूँ। ये मरेगा फिर यहाँ पे। मैं खुद मर गया। मैं नूबू। पर ये प्लान मेरा पक्का काम करेगा। और इसी तरीके से मेरे को इन दोनों के दोनों को मारना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। कम ऑन स्मार्टी, कम ऑन स्मार्टी। ये मेरा केक स्टार्ट। और अब मैं दूसरी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। आजा आजा, कोई ना कोई चेला आएगा इनमें से। चल आगे 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 आगे, आजा आजा आजा, अभी आ तू, अभी आजा मेरे बेटे, अभी आजा मेरे बेटे का। इसको मारना है, इसको किसी भी तरीके से अपने ना, इसको बस पीछे धकेलना है। मैंने किक स्टार्ट करवाना है इसको दोबारा से। मैंने आजा तेरी ऐसी की तैसी, आजा आजा आजा। यस, व्हाट अ दिमाग। ठीक है, ये बंदा भी बहुत ज्यादा पीछे है, एटलीस्ट 20 सेकंड पीछे है गाइस। अभी मैं 100% उस नई जगह को ढूंढ सकता हूँ जहाँ पे हम लोगों को लाइक वाला पोर्टल ढूंढना है। इस डायरेक्शन में अभी तक नहीं गया आगे के लिए, इस डायरेक्शन में अभी तक नहीं गया मैं आगे के लिए। भाई कहाँ है ये? आई हैव नो आइडिया। मैं बहुत, मेरे रॉकेट्स खत्म हो जाएंगे, मैं फिर से यहाँ पे। ये मुझे मुझसे आगे निकल गया। नो वे डूड, इस डायरेक्शन में पक्का। नो, इससे पहले पहुंचता है भगवान जी, मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं। आई एम नॉट इवन जोकिंग। वेट, ये मेरे साथ खड़ा है। ओ नो, ओ नो भाई, डिसाइड कर कौन पहुंचा पहले। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़रा क्लोज कॉल है। अब भाई मैं इतना स्लो क्यों गाइस? एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे रॉकेट्स कम थे यार, मैं इसीलिए स्लो उड़ रहा था यार। ब्रो जल्दी डिसाइड कर कि कौन जीता है। मेरे को पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है गाइस, कि अगर मैं भी यहाँ पे हारा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि शायद से विद इन सेकंड पहले मैं यहाँ पर पहुंचा था। ये व्हाट, कौन पहुंचा पहले? ये क्या देख रहा है कुछ तो? मैं पहुंचा पहले। आर यू सीरियस? यस। ओ भाई गॉड, अगर मैं अभी हारता ना भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती भाई। इसको गेड़ा लगने वाला, जैसे मैं तुम लोगों को बोला था गाइस, ये इल्लीगल है, मार दिया इसको भाई। ये बंदा हवा में मर गया। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। अब जो मेरा सेकंड कंपटीशन है वो कितनी देर में स्टार्ट होगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। आई गेस गाइस ये वही बंदा है, एक बार पहले भी मैं एक इलीगल कंपटीशन में गया था हिमलैंड्स के अंदर, ये वही था, वही है पक्का, ये मेरी गारंटी है, वही है ना? मेरे को याद है भाई, मेरे को याद है, ये बंदा वही है यार। ये सोफिस्टिकेटेड बंदा हमेशा यही बंदा जज बनता है भाई। थैंक यू सो मच मैन,
मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, मैं अभी ऑलमोस्ट हारने वाला था यार, बच गया मैं। ऑल राइट गाइस, तो जो हमारा सेकंड पार्कोर का यहाँ पे रेस होने वाली, उसमें हम चारों के चारों बंदे होने वाले, दो लड़कियां हैं एंड दो लड़के हैं। आई डोंट नो कि अब यहाँ पर एक टीम बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, बट यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड आदमी ने हमें बोला है कि हमें यहाँ पर एक नंबर चूज करना है, चूज एनी नंबर 1, 2, 3, 4। ओके देखो गाइस, अगर मैं नंबर 1 पे जाता हूँ तो हो सकता है कि शायद से रेस मुझसे स्टार्ट हो, बट हो सकता है कि अगर मैं नंबर 4 पे जाऊँ तो मुझसे स्टार्ट हो, बिकॉज यू नो लास्ट नंबर सबसे पहले जाएगा या फिर नंबर 1 पहले जाएगा। अब मुझे पता नहीं गाइस कि कौन सी पार्कोर रेस हो सकती है, बिकॉज ये इलीगल पार्कोर रेस है, तो अगर मैं नंबर 1 सिलेक्ट करता तो हो सकता है मैं बहुत ही गंदे वाले किसी पार्कोर ऑब्स्टिकल में सबसे पहले जाना पड़े और मैं सबसे पहले मर जाऊं। तो नंबर 1 इज नॉट वाइजेबल। मैं काम करूं, मैं नंबर 3 चूज करूं। नंबर 3 मेरा। तुमको जो भी चूज करना कर लो भाई, नंबर 3 मेरा है भाई। सिलेक्ट हो गया, चलो ठीक है भाई लोग, ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 में, नंबर 4 ये है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जाने वाले अगली रेस पे। ओह गाइस, नीचे लिख के आ चुका, पार्कोर रेस अबाउट टू स्टार्ट, नाउ यू विल बी टेकन टू द पार्कोर कोर्स अकॉर्डिंग टू द AI। लेट्स, ओ पहला चला गया बंदा, पहला चला, दो चले गए, ये तीनों चले गए वाले। ओ माय गॉड, मैं भी चला गया ब्रो, ये क्या, हम लोग कहीं पे हवा में आ चुके हैं, व्हाट द हेक। थैंक गॉड मैंने यहाँ पे नंबर 1 चूज नहीं किया था। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तैयार हो गए तुम लोग यहाँ पे हारने के लिए? आज तुम तीनों को अपन यहाँ से नीचे थके। ओह माय गॉड, नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई साहब। नंबर 1 का ओए, ये वाली चीटिंग नहीं। नंबर 1 कौन था भाई? यहाँ पे हम लोगों को लाइन वाइज जाना, याद रखना। नंबर 1 चल भाई जा, पार्कोर स्टार्ट कर ले। ओए धक्का मारे भाई ये लोग ना एकदम बेईमान है यहाँ पे। नंबर 2 कौन है? नंबर 2 और नंबर 3 वाला मैं आऊंगा आई गेस। मैंने अभी तक फिलहाल को तो ये नंबर 3 चूज करके ना बढ़िया किया। चल आगे चल भाई, मुझे भी इधर आना है, धक्का नहीं मारूंगा, धक्का मारना ऐसे भी अलाउड नहीं है। कम ऑन, नंबर 2 मैं हूँ, नंबर 3 और तू पीछे से मुझे धक्का ना मारियो बस, ठीक है ना? आराम आराम से चल भाई आगे। शाबाश। ओ माय गॉड, पता चले मैं ही यहाँ पे बार बार गिर रहा हूँ, मैं नीचे गिर गया था ऑलमोस्ट। ओ माय गुडनेस, ये चौथे वाला भी आ गया। ओ माय गुडनेस, मैं तो नीचे गिरा दूंगा। देख भाई अगर तू थोड़ा भी रुका ना बीच में तो मैं धक्का मार दूंगा ऊपर से, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तू भी आ जा भाई साहब, मैं और तू लड़के, बाकी दो लड़कियां यहाँ पे खड़ी, समझा? आ जा, शाबाश। ओ माय गुडनेस, एक ने तो पार कर दिया, हम तीन ही बचे यहाँ पे। अब मार ले, माता जी छलांग मारी है। ये ऐसे फैशनेबल कपड़े पहन के आई, देखो सर इसकी पैंट, देखो सर इसकी एक बार यार, वो आजकल की जीन्स नहीं चली हुई है फैशनेबल वाली, वो पहन के आई। चल टाइम वेस्ट कर रही भाई हम सबका, ये कम ऑन, हाई शाबाश, हाई शाबाश, आखिरी जंप बची हुई है। चलो भाई साहब, आ जा भाई तू भी, आजा शाबाश। अब मैं गाइस ये सोच रहा हूँ कि इस पार्कोर में यार हम लोगों को नंबर वाइज क्यों आने के लिए बोला गया, नंबर क्यों 1, 2, 3, wait, ओ शिट, लग गए भाई, जो नंबर 1 वाला इसके लग चुके यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर एक जगह पे इनविजिबल है और एक जगह पे हमारा असली ब्लॉक है और एक जगह पे लाइक खाली ब्लॉक है, ठीक है ना? तो अगर तूने गलत वाले पे छलांग मारी तो तू सीधा नीचे लावा के भी चल के मरेगी। मैं थर्ड नंबर पर, बाय द वे गाइस मेरी भी यहाँ पर बैंड बच सकती है। चौथे नंबर वाले तू बचा हुआ है भाई, यहाँ पे तेरी किस्मत अच्छी है। तो चलिए माता जी आगे जाइए, आपको अब यहाँ पे इसको पार करना पड़ेगा। क्या बात है भाई, दूसरा वाला लेट्स सी, मैं अगर इसी ने गाइस पार करते तो हम सारे के सारे बच जाएंगे, बाय द वे ये स्क्विड गेम वाला सीन है यहाँ पे, और थर्ड नंबर पे मैं हूँ। चल भाई चल, शाबाश तू कर सकती है, मर गई, व्हाट द हेक मैन। चल शाबाश, थे सेकंड वाला, तो ऑलरेडी पता कौन सा सामने वाला है। ओ माय गॉड, रुक जा, ओए आगे वाले तो ऑलरेडी पता है, राइट साइड वाले पे वो मरी थी इससे पहले, लेफ्ट वाले पे छलांग मारी, लेफ्ट वाले पे। तू जब तक जिंदा रहेगी तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, शाबाश कम ऑन, ये लगा। ओ नाइस ब्रो, आराम से। ओ माय गॉड, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा, तू धक्का ना मारियो गलती से भी, ठीक है ना भाई, जीतने के लिए। शाबाश, अब आगे राइट और लेफ्ट, एक सेकंड रुको ब्रो, मेरी बात सुन, दिमाग लगा तू भी थोड़ा सा, राइट या फिर लेफ्ट, देख पहले दो हमारे सीधे है, तीसरा वाला क्रॉस है, तो मैडम जी मेरे को लग रहा है चौथा वाला भी क्रॉस हो सकता है, तू क्रॉस वाला ट्राई कर ले प्लीज, क्रॉस वाला ट्राई कर, तू पक्का बच जाएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, तू क्रॉस ट्राई कर, पक्का सीधा जाएगी तो मरेगी पक्का, तू क्रॉस ट्राई कर ले, प्यार से बोल रहा हूँ, बाकी भाई देख तेरे ऊपर, तू मना करती रह, तेरे ऊपर है भाई, आई डोंट नो मैन। क्या बोला था मैडम जी मैंने आपको, क्या बोला था, मैंने बोला था ना वही वाला, अब रुक जा, मुझे दिमाग लगाने देगी प्लीज, मैं दिमाग लगाऊंगा अभी, ठीक है ना, जो मैं दिमाग लगाऊंगा वही आपने सुनना है। अब देख
दो सीधे थे, फिर एक क्रॉस आया, फिर एक और क्रॉस आया। अब मेरे को लग रहा है तेरे को एक और क्रॉस करना चाहिए वैसे तो, बाय राइट अगर देखा जाए, लेकिन अगर तू क्रॉस करेगी तो मर भी सकती है। तो आई थिंक अगर तू राइट पे भी जाएगी तब भी बच सकती है शायद से यार। वेट अ सेकंड यार, तू एक काम कर, मैडम दो क्रॉस ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा क्रॉस मत करके सीधा जा। मेरे हिसाब से तू वहां पे बच सकती है पक्का, मेरे हिसाब, मैं होता तो मैं पक्का वहीं छलांग मारता। और तेरे को पता होना चाहिए कि अगर मैं छलांग मारता तो मैं भी मर जाता। What the heck man? Oh my God, मैंने मरवा दिया उसको, मैंने उसको मरवा दिया, उसको इस वाले पे जाना था। Oh shit. पर अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी मर जाता यार, मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ तुम लोगों को यार। भाई दिमाग लगा तू भी, देख अगर मैं मर गया, नहीं अगर मैं मर गया तो तू तो बच ही जाएगा ना जिंदा, तेरे को ऑलरेडी पता है कि कौन से वाले पे जाना है। आई गेस गाइस, देखो यार दो क्रॉस हो गए थे, ये तीसरा वाला भी क्रॉस हो गया था, मुझे लगता नहीं है कि चौथा वाला भी क्रॉस वाला देंगे, मुझे लग रहा है ये लेफ्ट वाला होगा, बट ये मेरी जिंदगी का आखिरी डिसीजन भी हो सकता है, बिकॉज़ अगर मैं यहाँ पर मर गया ना भी दिक्कत हो जाएगी। गाइस शिट, मेरा आर्मर भी नहीं है, आई कैन डाई। मैंने जस्ट रियलाइज, ये क्या पार, भाई ये क्या पार्कोर कॉम्पिटिशन, ये पार्कोर कॉम्पिटिशन है क्या है, ऐसा होता है क्या पार्कोर कॉम्पिटिशन? ये तो भाई हमारे लिए लाइक हमारी लाइफ का रिस्क हो चुका है, यहाँ पे स्क्विड गेम खिला रहे हैं हमको भाई, ये तो मारने की ट्राई हो रही है, दिस इज रॉन्ग ब्रो। जय माता दी गाइस, जय माता दी भगवान जी, प्लीज 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 प्लीज, यस 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 यस। आजा भी आजा, तू भी आजा, ऑलरेडी तेरे को पता कौन सा वाला राइट, ये वाला और ये राइट वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, शब आजा शब, हाँ ये वाला, शबाश आजा, कम ऑन, यू कैन डू दिस मैन। बेवकूफ नहीं बनेगा इतना आसानी से, मेरे को लगा इसका बेवकूफ बना दूंगा। एंड अब यहाँ से आगे पहले मेरे को जाना है यार, आई गेस ये आखिरी वाला स्टेज है हमारा यहाँ पे। वेट, यहाँ पे कुछ लिखा हो नीचे, नंबर सिस्टम टर्मिनेटेड, एनीवन कैन गो अहेड। ओ ब्रो देख, कायदे से तीसरा नंबर मैं हूँ, चौथा नंबर तू है, तू खुद पढ़ ले नीचे, मैंने नहीं लिखा ये, इसका मतलब समझा, इसका मतलब दोनों में से कोई भी आगे जा सकता है तो तू जाएगा आगे, मैं नहीं जाऊंगा आगे। जल ओ हेलो भाई साहब, अभी तू जिंदा है, क्यों है जिंदा, सुन मेरी बात, क्योंकि तुझे दिमाग लगाना नहीं पड़ा। यहाँ पे दिमाग किसने लगाया इस पार्कोर में, मैंने लगाया, जान कर इस किसका था, मेरा था, तो अब तेरी बारी जान कर से, चल तू जाएगा आगे, अब चल चल फटाफट चल आगे, शाबाश अब तेरी बारी। देख भाई कायदे कायदे से काम करना है, तब तक मजा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई, कम ऑन डू, यू कैन डू दिस मैन, डरने की जरूरत नहीं ब्रो, तू भी यहाँ पे खतरनाक बंदा है। व्हाट द हेक ब्रो, हम लोगों को सीरियसली हम लोगों को यहाँ पे इसके साथ पार्कोर करना, भाई जा जा जा, कम ऑन कम ऑन डूड, कम ऑन कम ऑन, जा चल आगे, तेरी ऐसी की तैसी, अब तू मना नहीं कर सकता यहाँ पे बिल्कुल भी, नीचे जल्दी चल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे नीचे गिरा दूंगा तेरे को, तू कर सकता है, शाबाश कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शाबाश 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 शाबाश, ये भी भाई तेज है। अरे भाई मरे क्या, ये मर गया भाई, ये बंदा मर गया, हे भगवान। एक बात बताऊ, ये बंदा थोड़ा सा बेवकूफ था गाइस, ये बंदा गाइस बेवकूफ था, बिकॉज ये यहाँ पर पता क्या कर सकता रहा, ये कर सकता रहा यहाँ पे, देखो बिना किसी हेलमेट को लगाए भी हम लोग इसको पार इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं मेरे बेटे। और देखो ये पूरा का पूरा पार्कोर तुम्हारा भाई यहाँ पर भी करेगा कंप्लीट, लेट्स व्हाट, ओ नो वेज, हम लोग इसको पार नहीं कर सकते हैं, अरे हमको यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा सर पे, अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये टफ है, ये एक्चुअली टफ है, ये एक्चुअली टफ है, ये एक्चुअली टफ है, आई मीन टफ नहीं बोलूंगा मैं ज्यादा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, बीच में एकदम ये नाक वाली पट्टी आ जाती है बीच में, यहाँ पे छोटा सा गैप है, यहाँ पे छोटा सा गैप है, शाबाश, ये यहाँ पे लंबा वाला गैप है, शाबाश, ये भी हो गया, आखिरी वाला कहाँ छलांग मानी, मुंह के सामने हो गया, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप ऑन द प्रेशर प्लेट टू कंप्लीट द चैलेंज, हुआ नहीं कुछ, ओह यस लेट्स गो, मैं यहाँ पे टीपी बैक हो चुका हूँ, आई एम द विनर, ओ माय गॉड, भाई साहब यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दो कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऐसे ही जीत गया फटाफट में, पर ये बहुत ज्यादा टफ थे एक्चुअली में यार, ओ माय गॉड गाइस, इसका मतलब तुम लोग समझे, मैं फर्स्ट फाइनलिस्ट हूँ, आखिरी पार कर उस तक मैं पहुंच चुका हूँ, स्मार्टी बॉय, आपको क्या लगा हार जाएंगे, हरा के रहेंगे ब्रो, इसका मतलब हम तीनों फाइनलिस्ट है, हम तीनों नहीं है, हम चारों, हम यहाँ पर है, ओके, आपको किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे बेटा, बिल्कुल नहीं गाइस, हम चारों फाइन, मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हम चारों फाइनलिस्ट है,
ब्रो क्या हम चारों फाइनलिस्ट है? आर यू सीरियस? बाकी सारे मर चुके हैं। इसको क्या कुछ रहे हो? हम ही है भाई। अरे भाई हम चारों फाइनलिस्ट है, तुम लोगों को आइडिया भी यहाँ पर भी क्या होने वाला है? मारने वाले हो, सिंपल। और क्या होगा? हम जीतने वाले हैं। अभी कितना इजी है भाई, पहले हमें आंसर पता है। आज बिल्कुल आपको जीतने नहीं देंगे भाई, किसी भी कीमत में जीतने नहीं देंगे। फिर बाद में जिंदगी भर मजाक उड़ाएंगे आपका, जो हम लोगों को मरवाने की कोशिश की थी ना। तुम लोगों को पता भी है तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है? गलती आपने करी है, हमने आपने की है। इस बंदे को कैब वहाँ पे रखने के लिए, मुझे मरवाने के लिए। अरे भाई पार्क इलीगल पार्को रेस, एक सेकंड को नीचे लिख के आ चुका यहाँ पे भाई, पार्को रेस अबाउट टू स्टार्ट। गाइस बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने, बहुत से भी ज्यादा बड़ी गलती। अरे भाई समझने की तुम, बिल्कुल भाई इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। यहाँ देखो मेरी साइड देखो, तुम तीनों मेरी साइड देखो एक बार तुम तीनों। गाइस हम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाले, प्रोफेसर को पता है, पर तुम दोनों को नहीं पता है। कैसे नहीं जाएंगे भाई, पार्कोर एक कोई जीतेगा बाकी सारे घर जाएंगे, ये हम लोग उल्लू बनाना भाई। चलो जल्दी भाई। अरे रुको, स्टार्ट मत करो ये, स्टार्ट मत करो प्रोफेसर। चल ये लोग बेवकूफ है भाई, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते कभी भी। ओ माय गॉड, स्टार्ट मत करो गाइस, मेरी बात सुनो गाइस, स्टार्ट मत करो, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। अरे सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, मुझे पता है आप गाइस, आई एम नॉट इवन गिराने की कोशिश करेगा, मुझे गारंटी पता है। गाइस मेरी बात सुनो, अभी स्टार्ट मत करो प्लीज प्लीज प्लीज, दोस्ती के लिए रुक जाओ। बोल के ये खुद तो रुक जाओ का मैं नीचे गिरा दिया। अगर आपने फिर से स्टार्ट किया तो ड्रीम बॉय आगे आ नहीं पाएगा आपके साथ, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेसर रुको, आप ही वहीं पे रुको। ड्रीम बॉय आजा मेरे साथ चल, तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो यार। आजा ड्रीम बॉय, आजा साथ चल, आजा मेरी वेट करो, मेरा वेट करो। वहीं पर रुको, लड़ो मत। हाँ नीचे करो, इसको शाबाश। एजियो ऊपर मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। आजा डिम्बा सुनो मेरी बात। अरे आजा क्या, मैं आपके साथ हूँ ही नहीं। नीचे खड़े हो जाओ, नीचे ऊपर मत जाओ। देखो हिंसक हो रहा है ये बंदा। आप दूर खड़े रहो और फिर बोलो जो कुछ भी बोलना है। मैं कंप्लेन कर दूंगा सही में, या फिर मैं मारना शुरू कर दूंगा। गाइस तुम लोग समझ नहीं रहे हो इस सिचुएशन की गहराई को, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन बन चुकी है। हम लोग एक ऐसे पार्कोर कॉम्पिटिशन में जहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा जीतेगा, बाकी अच्छा, सारे मर जाएंगे। हम बनेंगे ये, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये पूरा स्कैम कर रहे हैं बंदा, बाकी कुछ नहीं करना इसको। तुम लोग यहाँ पे तो समझ से भरोसा उठा है, सच बोलूं तो। अरे भाई मेरे प्रोफेसर सुन, मेरी बात सुन, ये पार्कोर कोर्स थोड़ा लंबा है, मैं इनको कैचअप कर दूंगा, मुझे पता कहीं ना कहीं जरूर फंसने वाले हैं। यहाँ पे ना मेरे को और तेरे को ही थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा ब्रो, है ना? ये लोग बिल्कुल मानने वाले नहीं। गाइस मैं तुम लोगों को फटाफट में समझाता हूँ कि मेरा और जो प्रोफेसर इसका ना यहाँ से एस्केप प्लान था क्या एक्चुअल में। तो देखो गाइस तुम लोगों को पता होगा हम लोग यहाँ पर वो पर्ल चेंबर्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें क्या होता है अगर हम लोग डे लाइट सेंसर को लगा देंगे उसके बैक साइड पे, तो क्या हो जाएगा कि डे लाइट जैसे यहाँ पे सुबह से रात होगी वो पर्ल चेंबर एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाएंगे। ये एक सिंपल सा फंडा है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है ये चीज के बारे में। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर ने गाइस हमारी करी एक बहुत ही तगड़ी खोज, जिसका नाम है नॉट डे लाइट डिटेक्टर, वो है हर्ट डिटेक्टर। अगर हम लोगों के हर्ट्स, मेरे और प्रोफेसर के हर्ट्स 8 हर्ट्स से कम हो जाए, अगर सिर्फ 2 हर्ट्स बचेंगे ना तो हम लोग ऑटोमेटिकली बाहर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो इससे पहले गाइस जब मैं वो स्क्विड गेम वाला वो पार्कोर कर रहा था, अगर मैं वहाँ पे मरता भी, सपोज करो मैं मरता भी अगर वहाँ पे और मेरे हर्ट्स अगर वहाँ पे लाइक कम होते होते 2 हर्ट्स तक बचते, मैं अपने आप ही टेलीपोर्ट कर जाता बाहर, तो मैं मरता नहीं। अगर मान के चल लो मैं और प्रोफेसर फाइनलिस्ट होते और मान लो मैं जीतता, तो प्रोफेसर को अगर वो बंदे मान के चल लो तुम लोग वाइड में थ्रो करने की कोशिश करते, तो जैसे इसके 8 हर्ट्स जाते ये भी बाहर टेलीपोर्ट कर जाता, तो ये मरता नहीं, तो ये हमारा एस्केप प्लान था। तो ब्रो अभी तेरे को पता क्या करना पड़ेगा ना, देख तू तो मरेगा नहीं, मैं भी मरूंगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर हम दोनों के नाम तूने डाले हुए हैं। तेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पर एसडी और ड्रीम का नाम भी डालना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ब्रो? तेरे को पहले तो मरना पड़ेगा यहाँ पे, रुक एक बारी, आ जा, ले ले ये पानी है, यहाँ पर पानी के बीच जाकर तेरे को मरना पड़ेगा अभी। कमऑन, जैसे ही तेरे यहाँ पे 8 हर्ट्स कम हो जाएंगे ना, तो अपने आप ही बाहर यहाँ पे टीपी हो जाएगा ऑलरेडी, तेरे को पता है। और बाहर जाकर तेरे को टाइम कितना लगेगा मुझे पहले ये बात बता, तेरे को टाइम कितना लगेगा पहले? ऑल राइट गाइस, तो मैंने प्रोफेसर से बात करी, प्रोफेसर मेरे को बोल रहा है यहाँ पे कि इसको ना गाइस थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे लग जाने वाला है, लाइक इसको ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा इसने मेरे को बोला है कि क्योंकि उस मशीन के अंदर जो उसने इनिशियली वो मशीन बनाई थी, वो टेक्नोलॉजी जो उसने बनाई थी ना वो वाली, देखो गायब हो गया बंदा, बाहर टेलीपोर्ट ऑलरेडी हो चुका, मरा नहीं है यहाँ पर। उस हर्ट डिटेक्टर मशीन का साइज ने छोटा बनाया था, जहाँ पे हम दो के नाम आ सकते थे, अभी उसको एक्सपैंड करना है, बड़ा करना, ताकि 4 लोगों के नाम आए। तो भाई साहब थोड़ा सा टाइम इसको लग जाएगा, पर इसने मेरे को बोला है कि कंटिन्यूअसली विस्पर करता रहेगा मेरे कान में,
कंटिन्यूसली विस्पर ये बंदा मेरे कानों में करता रहेगा। तो अब गाइस मुझे कुछ नहीं करना है, बस मेरे दोस्तों को पकड़ना है एंड बस मुझे टाइम बाय करना है। टाइम जैसे मैं बाय करूंगा एंड आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जब तक ये बंदा उस हर्ट मशीन में इन दोनों के नाम ना डाल दे तब तक मेरे दोस्त बस मरे ना यहाँ पे किसी भी तरीके से। ओ माय गॉड मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई, फटाफट फटाफट करना पड़ेगा मेरे को इसको पार। ये लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा गाइस 2 मिनट की लीड पर है इस वक्त। कमन स्मार्टी कमन स्मार्टी कमन स्मार्टी, मैक्स टू मैक्स से 2-4-5 मिनट की दूरी पर हमसे, उससे ज्यादा आगे नहीं है। चल 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 चल, कहीं ना कहीं ये लोग 100% फंसने वाले गाइस, दैट इज फॉर श्योर। एंड वहां पर मैं इनको पीछे कर सकता, एसजीओ तो पक्का ही फंसेगा मेरी गारंटी, ड्रीम बॉय फंसे ना फंसे। तो एसजीओ को आगे लेके साथ जाने के लिए ड्रीम बॉय उसका वेट जरूर करने वाला, तो मैं इनको फटाफट पकड़ लूंगा अभी यहाँ पे। कमॉन। एक तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ना प्रोफेसर से बात भी नहीं कर सकता हूँ, अभी वो प्रोफेसर से मैं बात भी नहीं कर सकता, कोई ऐसा यंत्र है नहीं उससे बात करने का कि जिससे मैं पूछ सकूं कि भाई तू कितना आगे प्रोग्रेस कर चुका है लाइक उस चीज को बनाने के लिए। What the heck man? चल 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 नीचे, शाबाश। अरे ये क्या है भाई फालतू, फाइनली मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया यहाँ पे दरिंदा। यहाँ पे गाइस मेरी बात सुनो गाइस, जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ मेरी बात सुनो, इसको पार मत करो गाइस। नीचे ड्रीमर, नीचे ड्रीमर भाई, ड्रीमर नीचे। चीटिंग करते हो, मेरी बात सुनो गाइस प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। एसजीओ पार मत कर इसको भाई, मत कर ले, मार दे मेरे को, वो चलेगा। गाइस हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, यहाँ पर कोई एक बंदा जिंदा वापस जाएगा बाकी सबको मार दिया जाएगा। ये फिर वो आप होंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे। एसजीओ इल्लीगल पार्क हो रहे हैं, अगर तुम में से कोई मान लो ड्रीम बॉय जीत गए तब भी आप भी तो मरी जाओगे ना। अरे भाई कितनी फालतू की बात है एसजीओ भाई, कुछ ध्यान मत दो अपना पार्क। हमें लिटरली ये कुछ नहीं दे, देखो अरे यार कर दिया था यार हजारों सालों के बाद, ये जानबूझ के जाने नहीं दे रहा हम लोगों को। मैं तुम लोगों को जानबूझ के आगे आने नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पार्कोर यहाँ पर कंप्लीट ना हो अभी। एक सेकंड, ये प्रोफेसर किधर है? प्रोफेसर को मार दिया ना भाई, उसका भी खेम खत्म कर दिया भाई, उसका भी पत्ते बिछा दिया आपने उसके भी। अरे उसको मैंने नहीं मारा है मेरे भाई लोग, प्रोफेसर को एक्चुअली में मैंने बलिदान करवाया हुआ है, वो बाहर पहुंच चुका है। अरे और कुछ भी नहीं, ये सबके पत्ते बिछा रहा है भाई, मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो भाई हमें जैसे मारने की कोशिश करी ना वैसे उसे भी पेल दिया गया। रुको स्मार्टी, अगर कोई एक ही जिंदा रहने वाला था तो तुम दोनों ने क्यों पार्टिसिपेट किया? हम लोगों के उल्लू समझाए क्या पूरा? अरे भाई हमें बेवकूफ समझते हैं, कुछ भी बोलेंगे हम कुछ भी मान लेंगे, आप पार्कोर करो। अरे गाइस मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरा और प्रोफेसर का एक प्लान था, प्रोफेसर ने एक इन्वेंशन करे जिससे हम दोनों के दोनों जिंदा बाहर वापस जाने थे, एंड अभी मैंने उसको वापस से वहीं पर भेजा तुम दोनों के नाम डालने के लिए उसमें, ताकि तुम लोग भी जिंदा यहाँ से बाहर। कितना बेवकूफ बना रहे हो हमको, मतलब चल जाएंगे। देखो गाइस बात ऐसी है कि प्रोफेसर को ऐसे भी आधे घंटे की जरूरत थी एक्स्ट्रा, मैक्सिमम 40 मिनट, 20-25 मिनट बीत चुके हैं, 5-10 मिनट का पार्कोर बचा, मैं ही जीतूंगा तुम लोगों से पहले। जिंदा बाहर वापस निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जा रहा हूँ आगे। ड्रीम बॉय सुनो ड्रीम बॉय, हम लोगों ने रूल बुक फाड़ दी थी, हमने रूल बुक पढ़ा नहीं है। ठीक है कोई सीन नहीं है, चलो ये सच भी बोल सकता है, जल्दी चलो। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे क्यों मजाक कर रहा हूँ? तो सुनूंगा मैं ऑफकोर्स, आवाज आ रही है मेरे को तुम लोगों की, और अभी मेरे को किसी भी तरीके से इसको पहले पार करना है एंड देन तुम दोनों को भी बचाना है यार किसी भी तरीके से। अभी नियत में खोट देखो कितनी है इसकी, नियत में खोट देखो क्या, फिर अभी अकेले पार करोगे? हाँ अभी मेरे को पार करके जीतना है, अगर तुम लोगों ने मेरे को वो फर्स्ट प्राइज नहीं दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, और तुम लोग जिंदा तो बाहर वैसे भी चले ही जाओगे, आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। अरे अभी तो मुझे भरोसा ही नहीं है भाई इसमें, देखो भाई ड्रीम हो गया, चलो अभी फंसे थे हम लोग नीचे को, दो हम लोग आ जाओ तुम लोगों से पहले मैं पार करेगा इसको यहाँ पे आसानी के साथ। अरे देखते हैं भाई कौन जीतने वाला है। कमन स्मार्टी, ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर खत्म होने वाला पार्क। अरे दरिंदे लोग भी आ गए, आजा मेरे बेटे, दरिंदे मिले दरिंदे उनसे। मैं बहुत फास्ट करने का चक्कर में नीचे गिर गया। ओ नो वे जूड़ी यार इस जो भाई के, अरे मुझे लगा यहाँ पे ही जाना है यार, ये गया मुझे धक्का क्यों दे रहे हो यार फिर? आजा नहीं यार बीच में रुक गया था बंदा यार, भैया तो लड़ लो या पार्कोर कर लो। अरे ब्रो यस ओ नो ये फिनिश लाइन है गाइस, ये आखिरी वाला था, ये फिनिश लाइन है, ओ माय गुडनेस। अरे मैं जीत गया, एसजीओ ने मुझे पार करवा दिया, मैं जीत गया। ओ माय गॉड
इधर देखो मेरी साइड, भाई लोग इधर देखो मेरी साइड, इधर देखो, फाइनली तुम्हारा भाई यहाँ पे जीत गया। भाई देख रहे हो ऐसे भाई कैसे चिढ़ा रहे हैं ऐसे हमको। वो ही ना, अभी इसको दुख नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मैं जीता हूँ ना, क्या बोलता है? कितना घमंड है देखो जीतने का इसको, पूछ रहा है उसको जाके। अरे भाई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं स्मार्टी भाई, देख रहा खुद भाई साहब, मतलब दो मिनट और बस थोड़ी देर और हमको यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है बस भाई। काला रंग भाई अपना पूरा रंग दिखा दिया असली वाला। अभी जो फाइनल रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे इनको मारने की ट्राई किया जाएगा अभी है? मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? अभी देखो तुम लोग यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मारे हमको। एक मिनट और गाइस, बस एक मिनट और रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ब्रो, थोड़ा रुक जाओ यार, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे को इनसे थोड़ी सी बात कर दे प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर और ठीक है गाइस, साइड में हो, साइड में हो, इधर साइड में हो। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, यहाँ देखो नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये खड्डे में डालने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं डालूंगा ये सोफिस्टिकेटेड बंदा, मैंने तुम लोगों को बताया गाइस ये इल्लीगल पार्कोर है, कोई एक ही बंदा यहाँ पे जीतेगा। अभी जैसे मैं जीता हूँ ना तो तुम लोगों को मारने की ट्राई किया जाएगा पूरे तरीके से, ठीक है? इसीलिए मैंने प्रोफेसर को बाहर भेजा था, अभी वो शायद से तुम लोगों को बचा देगा। एक सेकंड जो भाई, मतलब हम इसके अंदर जाने वाले हैं अभी वॉइड के अंदर। अरे पर ये बोलेगा हम लोग चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, धक्के मारे जाएंगे तुम लोगों को अभी यहाँ पे, तुम लोग टेंशन मत लो। मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि समय वेस्ट मत करो भाई, तो मेरे पास भी तो हाथ है, मैं उल्टा धक्का दूंगा उसे, वो कैसे करेगा मेरे को? अरे ये मारेगा मेरे को, हाथ लगाएगा, तू लगा हाथ लगा। अरे नहीं मार पाओगे इसको भाई, ऑर्गेनाइजर है ये बंदा, कैसे ड्रीम बॉय तुमसे ना हो पाएगा, मैं मार दो। ओ अरे आप लोग नहीं मार सकते इसको भाई, हो गया मेरा काम भाई, हो गया मार दे इनको भाई, मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए भाई यहाँ पे, मुझे फर्स्ट प्राइज चाहिए जल्दी जल्दी। मैं हिल नहीं पा रहा भाई, मैं खुद नहीं हिल पा रहा भाई, ऐसे भाई हम लोग मरने वाले हैं भाई, ये बंदा रुक नहीं रहा, बचाओ ना हमें, ये देख रहा है भाई हम लोग का तमाशा। अरे गाइस मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ है, ठीक है ना, तुम लोग मरने वाले हो, अभी बोला था ना गलती कर दोगे, मैंने बोला था तुम लोगों को मत आओ, मान नहीं रहे थे मेरी बात के, दोनों मर जाओ। बहुत दरिंदा इंसान बन गया है, मैंने क्या बोला था तुम लोगों को ब्रो, मुझे फटाफट मेरा यूरेनियम दे, मुझे यहाँ से बाहर निकाला फटाफट, जितना फास्ट दे सकता है ब्रो। ऑल राइट गाइस, तो तुम लोगों ने देखा अब ये लोग जब नीचे गिरे तो नीचे लिख के नहीं आया कि ये दोनों यहाँ पर मर चुके हैं, ठीक है ना, डिडंट फेल आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो लिख के नहीं आया अभी तक, दिस मींस ये लोग शायद से अभी तक बाहर। हाँ नीचे लिख दिया उसने, ये लोग मेरे साथ है। ओ माई गॉड, इसका मेरे सारे सारे दोस्त बच चुके हैं। बाय द वे मैंने VCF कनेक्शन अपना ऑफ किया था, मैं अभी ऑन करने वाला था कि बंदा मेरी बात सुन सके एक बार को। ओके ब्रो दे मेरे को जल्दी मेरा यूरेनियम, फटाफट दे ब्रो, मेरे को निकलना है यहाँ से। इनफैक्ट तू एक काम कर कि तू अगर यहाँ पे ना मेरे को यूरेनियम देके मेरे को यहाँ से अगर मेरे घर टीपी करवा सकता भाई तो तू वो करवा दे। शाबाश यूरेनियम ये रहा यहाँ पे, शाबाश। और मैं भाई मुझे टेलीपोर्ट करवा सकता है ना, मुझे मेरे घर टेलीपोर्ट करवा दे प्लीज 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 प्लीज। यस लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। एंड गाइस यहां देखो यूरेनियम भी आ गया, मेरी पूरी इन्वेंटरी भी वापस आ गई, जो पार्कोर कोर्स के दौरान मेरी इन्वेंटरी गायब हुई थी ना पूरी की पूरी, ओ माय गुडनेस वो भी पूरी वापस आ गई है। ओ तेरी, ये तो बहुत सारा वेस्ट हो गया। ओके गाइस यहां से लगभग 20-25 मिनट की दूरी पर है अभी हमारा प्रोफेसर, आई गेस वो यहाँ पर अभी आने वाला होगा, उसका बस वेट करना पड़ेगा। कम ऑन, मेरे दोस्त भी सारे के सारे बच गए, प्रोफेसर भी बच गया और मैं अभी यहाँ पे जिंदा वापस आ चुका हूँ। आई एम जस्ट सो हैप्पी मैन। अभी गाइस हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे पॉसिबिलिटी खोल चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे होगा लाला के पास्ट लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है जानना ये कि होगा लाला बना कैसे, वो एंटिटी था या पहले वो एक इंसान था, वहां से हम लोगों को उसके पास से कमजोर कड़ी ढूंढनी है एंड देन उसको अपनी टीम में लेकर आना है। मेरा प्लान तो ये है, उसको टीम में लेकर आना है अपनी, और अगर लेकर आ गए ना गाइस मजा आ जाएगा भाई। ओह यस, अरे इसके कपड़े फिर से फट गए, आई गेस इतना मेरे को याद है पार्कोर में इसके कपड़े पूरे आ गए थे। खैर छोड़ो ब्रो, आजा जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा भाई, ले ये यूरेनियम है तूने मेरे से मांगा था, भाई साहब इससे आप फटाफट वो चीज बनाओ, ठीक है तू बनाना स्टार्ट कर और साथ साथ में मुझे बताता भी रहे कि एग्जैक्टली तू करने क्या वाला है, मुझे एग्जैक्ट बता एक बार जरा भाई क्या करने वाला है और क्या ये सही भी है कि नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर साहब से बात मैंने कर दिया है, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे भाई इस बात का, इसने मेरे को बोला है कि एकदम परफेक्ट यूरेनियम लेकर आए, इसके अंदर वो जो हमारा टाइम पार्टिकल्स है ना पिम पार्टिकल्स वो मौजूद है, तो अभी गाइस ये यहाँ पर बना सकता है एक इन्वेंशन जिसका नाम है
टाइम क्यूब। अब उस टाइम क्यूब के दम पर क्या होगा कि हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं उस टाइम जोन में जहाँ पर होगा लाला बचपन था उसका, या तो फिर वो पैदा हुआ था, या तो फिर एक ऐसे टाइम पे हम लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली हम लोगों को मिल जाएंगे। बट उसके ना ऐसी कंडीशन इसने रखी हुई है, अभी गाइस हम लोगों को एक ऐसा ब्लॉक ढूंढना है। सपोज करो जैसे कि ये वाला ब्लॉक है, देखो जब भी प्रोफेसर हमारा काम करता है यहाँ पे प्रोफेसर इस ब्लॉक के ऊपर हमेशा खड़ा होता ही होता है। तो एक ऐसा ब्लॉक हम लोगों को ढूंढना है जहाँ पर डेफिनेटली होगा लाला ने कदम रखा होगा। सपोज करो क्योंकि होगा लाला हमारे यहाँ भी आया हमको मारने के लिए, है ना। तो सपोज करो ये वाला ब्लॉक उस पर हो सकता है कभी ना कभी होगा लाला ने इसके ऊपर ऐसा करके कदम रखा हुआ होगा। बट सपोज करो कि अगर उसने नहीं रखा होगा और अगर हम लोगों ने वो गलत वाला ब्लॉक चूज कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज इससे बोला है कि जो टाइम क्यूब है हम लोगों को एक ऐसा ब्लॉक ढूंढना है जहाँ पर होगा लाला ने कभी ना कभी कदम रखा होगा, उसके ऊपर टाइम क्यूब को रखना है। और जो ये टाइम क्यूब है इसको जैसे हम लोग वहां पर रखेंगे हम लोग ऑटोमेटिकली पास में पहुंच जाएंगे होगा लाला के। अगर सपोज करो हम लोगों ने किसी गलत ब्लॉक पे रखा एंड इस ब्लॉक पे सपोज करो मैंने या फिर लाइक एसडीओ ने कभी कदम रखा था तो एसडीओ के पास से पहुंच जाएंगे, जो कि कंप्लीट टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा एंड टाइम क्यूब भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। कहने की बात यह है कि सिर्फ एक ही बना सकता है ये जिंदगी में और इसके बाद टाइम क्यूब कभी बनेगा भी नहीं। तो मेरे को गाइस एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर हम लोग एक्चुअली में पक्का उसने कदम रखा होगा। वो गाइस जो थ्री ब्रदर्स कैसल जो है ना हमारा वहां पर तो डेफिनेटली उसने रखा होगा, इस चीज की गारंटी मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। थ्री ब्रदर्स कैसल जहां पर लाइक अभी एंटिटीज वगैरह लास्ट टू लास्ट एपिसोड में उनको समझा रहे था ना वो किलविश वगैरह, वहां पर उसने रखा होगा। बट हर एक ब्लॉक पे कदम नहीं रखा होगा तो वहां पर भी रिस्क है जाना। कोई और जगह मुझे ढूंढनी पड़ेगी जहां पर पक्का होगा लाने कदम रखे होंगे। ब्रो दो सेकंड रुक जा। मेरे को जो याद आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे हिमलैंड के अंदर ये वाली जगह यहाँ से नीचे, ओ यस, यहाँ से नीचे 100% उसने होगा लाने कदम रखा होगा। भाई सुन, पानी के नीचे जगह तेरे को शायद से पता नहीं होगा, पानी के नीचे एक जगह हमारे हिमलैंड के यहीं पे हमारे घर के नीचे जहाँ पर होगा लाला वगैरह का पास्ट पीता है उसने पक्का वहाँ पे कदम रखा होगा। तू एक काम कर, इस इन्वेंशन को ना एक कॉन्ड्यूट की फॉर्म पे बना, ठीक है ना, ताकि पानी के बीच में वो अच्छे से काम करे। भाई फटाफट बना, ठीक है ना, कॉन्ड्यूट की फॉर्म पे। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे को मेरा जवाब मिल चुका है। हो गया, बन गया। भाई ये कॉन्ड्यूट तो अलग है, अलग कलर का कॉन्ड्यूट है ये वाला। टाइम क्यूब गाइस नीचे देखो इस पे लिखा हुआ है टाइम क्यूब। ब्रो आर वी सीरियसली डूइंग दिस? क्या हम लोग होगा लाला के पास में जाने वाले हैं? हम लोग पता लगाने वाले कि होगा लाला पास में क्या था, क्यों था, क्या सीन था उसका। गाइस ये होने वाला है आज तक का सबसे बेहतरीन टॉपिक हिमलैंड्स का, आई एम नॉट इवन जोकिंग। और इस चीज का खुलासा हम लोग करेंगे अपने अगले एपिसोड में। गाइस लाइक जरूर करना इस वीडियो को, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। नेक्स्ट एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड में से एक होने वाला है।